जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए, शिव चालीसा को सिद्ध किस प्रकार किया जाता है, इसके पाठ करने के क्या नियम होते हैं, जो आप लोगों को फॉलो जरूर करना चाहिए। सिद्ध करोगे तो कुछ नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है, तभी शिव चालीसा की सिद्धि प्राप्त होती है। शिव चालीसा के पाठ कैसे किए जाते हैं, जो दैनिक पूजा होती है आपकी, जो हर दिन अगर आप शिव चालीसा पढ़ना चाहते हो तो उसमें भी आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप लोग अनुष्ठान के रूप में सिद्धि करना चाहते हो शिव चालीसा की बहुत कम समय में, तो उसके भी नियम आपको बताए जाएंगे। इस वीडियो में शिव चालीसा से संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी वाच करना पड़ेगा। आप लोग शिव चालीसा को सिद्ध किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी पूरी विधि बताएगी आप लोगों को। शिव चालीसा जो आप डेली रूटीन में पढ़ते हो, तो उसकी अगर आप लोगों को सिद्धि मिल जाती है, उसकी कृपा मिल जाती है, तो उसके बाद आप दैनिक पूजन में भी उपयोग करते हो, तो आपके जीवन में आपको लाभ मिलते चलता है, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण होती चलती है। शिव चालीसा को हर कोई सिद्ध कर सकता है, हर कोई पाठ कर सकता है शिव चालीसा का। भगवान शिव की कृपा होती है, शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो जिस भी घर में शिव चालीसा पढ़ी जाती है, वहाँ पे भगवान शिव का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है। शिव चालीसा को अगर आप किसी मनोकामना के साथ पढ़ते हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन आपको सबसे पहले उसकी सिद्धि मिलना चाहिए शिव चालीसा की। जैसा कि शिव चालीसा को अलग अलग समय के हिसाब से सिद्ध किया जाता है, एक दिन में भी इसकी सिद्धि मिल जाती है। शिव चालीसा को एक दिन में भी सिद्ध किया जाता है, जैसे होली, दीपावली, शिवरात्रि। जो वर्ष में महाशिवरात्रि आती तब भी आप एक दिन में सिद्ध कर सकते हो। शिव चालीसा को पाठ करना चाहते हो, आप अनुष्ठान करना चाहते हो, तो कृष्ण पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करना चाहिए। हर महीने में जो छोटी शिवरात्रि आती है, जिसे चतुर्दशी तिथि कहते हैं, जो अमावस्या के एक दिन पहले आती, तब से भी प्रारंभ कर सकते हो। जैसे सावन के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हो, ऐसे शुभ समय से प्रारंभ कर सकते हो। शिव चालीसा का पाठ करने से पहले आपके पूजा स्थान पे एक सफ़ेद कपड़ा भी चाहिए, या तो एक पीला कपड़ा बिछा सकते हो। उस कपड़े के ऊपर शिवलिंग या तो भगवान शिव की फोटो या मूर्ति होना चाहिए। एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, उस दीपक के नीचे थोड़े से चावल रख देना चाहिए अक्षत, फिर उसके ऊपर दीपक को जलाना चाहिए और एक धूपबत्ती जलाना चाहिए चंदन की। आपके पूजा स्थान पे एक छोटी सी प्लेट विराजमान करना चाहिए, तो उसके ऊपर उस प्लेट को रखना चाहिए। वो प्लेट हो सकती है तांबे की या तो पीतल की। आप कोई स्तुति कर रहे हो, कोई चालीसा पढ़ रहे हो या पाठ कर रहे हो, अगर आपको उसकी कृपा चाहिए, उसकी सिद्धि चाहिए, तो पूजन अनिवार्य होता है। तो उस प्लेट के अंदर सबसे पहले पंचोपचार गणेश का पूजन करना चाहिए, फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, माता पार्वती का पूजन होना चाहिए पंचोपचार। तो शिव परिवार का पूजन कर सकते हो, जैसे कार्तिकेय भगवान का, नंदी का, ऐसे पूजन कर लेना चाहिए पंचोपचार। आपके शिवलिंग हो तो उसे एक प्लेट में रख के पंच अमृत से स्नान करवा सकते हो, जैसे घी, दही, दूध, शहद, उसमें गंगा जल मिला के या देसी शक्कर मिला के पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उसे शुद्ध जल से स्नान करके पोछ के अच्छे से स्थापित करना चाहिए, उनका पंचोपचार पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पे सफ़ेद चंदन का तिलक करना चाहिए। पूजन करने के बाद भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए, पंचमेवे का या तो मिश्री का भोग लगा सकते हो। सफ़ेद पुष्प प्राप्त होते तो शिवपिंडी पे समर्पित करना चाहिए। सफ़ेद अकवन के पुष्प, जिसे अकाव का पेड़ भी कहा जाता है, उसके भी पुष्प मिलते तो समर्पित करना चाहिए। तो आप लोग संकल्प लेके ही शिव चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। अगर आप संकल्प नहीं लेना चाहते तो बिना संकल्प के भी सिद्ध कर सकते हो। 100 दिनों तक लगातार 11-11 पाठ करना है आपको, चाहे आप सवेरे कर सकते हो या शाम को। लेकिन जो पहले दिन से जो नियम बनाया आपने, अगर आप सवेरे ही करते हो तो आपको सवेरे ही करना है, अगर आप शाम को करते हो तो शाम को ही करना है। तो 100 दिनों तक ये साधना चलेगी, आपकी शिव चालीसा सिद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार शिव चालीसा को सिद्ध किया जाता है। तो आप संकल्प ले लीजिए पूजन से पहले 100 दिनों का, आपका नाम, आपका गोत्र बोलते हुए। जब भी संकल्प लिया जाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है, मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है। अगर आप बिना संकल्प लेके करना चाहते हो तो बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो। अगर आप संकल्प लेके करोगे तो पूरे 100 दिनों तक आपको हर दिन पाठ करना पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए कोई ज़रूरी काम आ गया, आपको दूसरे शहर जाना है, तो आपको उस दिन पूजन करने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो। इस प्रकार बिना संकल्प लेके भी करोगे तो शिव चालीसा की सिद्धि प्राप्त होने लगेगी।
मान लीजिए आप कभी कहीं बाहर जाना है तो आप पार्ट नहीं कर पाते हो, तो आप एक दिन के बाद दो दिन के बाद जब भी आपके घर आओगे तो फिर आपने शिव चालीसा पढ़ लेना चाहिए। लेकिन आप जब संकल्प लोगे तो 100 दिन लगातार आपको पाठ करना ही पड़ेगा। जो लेडीज है, जो बच्चियाँ हैं, अगर शिव चालीसा को सिद्ध करना चाहती, पाठ करना चाहती, जो महीने में उनके अशुद्धि के दिन आते हैं वो 7 दिन छोड़ के लगातार डेली कर सकते हो, 7 दिन का गैप देके। अगर आप संकल्प लेके भी करोगे तो वो 7 दिन आपको छोड़ देना चाहिए। शिव चालीसा की सिद्धि हर कोई कर सकता है। अगर आप लोग दैनिक दिनचर्या में शिव चालीसा सिद्ध करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको लगातार पढ़ना है। 11-11 पाठ भी पढ़ सकते हो बिना, जैसे कि हमने बताया, बिना संकल्प लेके। बीच में अगर गैप भी आता है तो आपको थोड़े लंबे समय तक करना पड़ेगा, लेकिन आपको सिद्धि आसानी से प्राप्त हो जाएगी शिव चालीसा की। जब आप लोगों को शिव चालीसा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है, तो भगवान शिव से प्रार्थना करके शिव चालीसा पढ़ा कीजिए, आपकी इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होने लगती है। लेकिन सबसे पहले शिव चालीसा को सिद्ध करना पड़ता है। कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र, आपको श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। अगर आप लोग 11 दिन में सिद्धि करना चाहते हो तो डेली 108 पाठ पढ़ना पड़ेगा एक ही आसन पर बैठ के। जब तक आपके 108 पाठ कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको आसन से उठना नहीं चाहिए, तो 11 दिनों में भी आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो शिव चालीसा की। जो पूजन का विधान बताया वो उसी प्रकार रहेगा, लेकिन उसमें आपको 11 दिनों का संकल्प लेना जरूरी होता है। जब शिव चालीसा आपकी सिद्ध हो जाए, उसके बाद डेली आप एक पाठ ही कर सकते हो, शिव को प्रणाम करके, भगवान गणेश को प्रणाम करके, माता पार्वती को प्रणाम करके, फिर आपके जो पूजन करना है वो जरूरी नहीं होता है। शिव चालीसा अगर सिद्ध होने लगती है तो उसके कुछ संकेत बता देते हैं, जैसे शिवलिंग सपने में दिखाई देना, बैल दिखाई देना, शिव की फोटो या प्रतिमा दिखाई देना, तो आप लोग समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हो, शिव चालीसा की कृपा आपके ऊपर होने लगी है, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होने लगी है। शिव चालीसा के पढ़ने के फायदे भी बहुत होते हैं। जिस घर में भी पढ़ा जाता है शिव चालीसा को, जितने भी सदस्य है वो निरोगी काया होने लगते हैं। अगर उनको कोई रोग है तो रोगों से राहत मिलने लगती है। आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, वो पूर्ण होने लगती है। आपके काम बनने लगते हैं। जो मांगलिक कार्य रुके वाले वो पूर्ण होने लगते हैं। जो पूजन के दौरान, आपके साधना के दिनों में जब आप संकल्प लेके करोगे या बिना संकल्प लेके 100 दिनों तक भी करोगे, तो आपको बेलपत्र मिलते हैं। जितने भी दिन मिल जाए आपको समर्पित करना चाहिए शिवलिंग पे। जो हमने पूजन विधि बताई, अगर आप लोग शिव चालीसा सिद्ध करना चाहते हैं तो जितने दिनों का भी संकल्प लेना चाहते हो, बिना संकल्प लेके भी अगर 100 दिनों का पाठ करना चाहते हो, तो आपको पूजन करना पड़ेगा, शिवलिंग को स्नान करवाना पड़ेगा। अगर पंचामृत नहीं है या दूध भी नहीं है तो आप जल से ही स्नान करवा सकते हो। अगर आपके 100 दिन पूरे हो जाते हैं, आपका संकल्प लेके करते हो या बिना संकल्प लेके करते हो, फिर उसके बाद अगर आप लोग पूजन नहीं कर पाते हो तो आप प्रणाम करके ही शिव चालीसा को पढ़ सकते हो। ये बहुत ही सरल और आसान नियम है जिसे हर कोई पालन कर सकता है और शिव चालीसा को सिद्ध कर सकता है। जैसे कि हमने बताया कि आप 100 दिनों में कैसे 11 पाठ करके शिव चालीसा को सिद्ध कर सकते हो, 11 दिन में 108 पाठ करके शिव चालीसा को सिद्ध कैसे कर सकते हो। जब 11 दिन का अनुष्ठान करते हो तो एक दिन में 108 पाठ करना है आपको, वैसे ही 11 दिन में 108 पाठ पूरे कंप्लीट करना पड़ेगा। हर दिन 108 पाठ कंप्लीट हो गए तभी आपको 11 दिन में इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। और जैसे शुभ मुहूर्तों पे, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब भी आता है तब एक दिन में ही सिद्ध कर सकते हो, या होली, दीपावली की रात्रि में, या शिवरात्रि के रात्रि में 108 पाठ करके ही एक ही बैठक में इसको सिद्ध किया जाता है इन शुभ मुहूर्तों पे। तो आप इस दिन 108 पाठ करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ग्रहण में दीपक नहीं जलाना है, पूजा नहीं करना है, लेकिन नियम यही रहेगा, आप 11 पाठ प्रतिदिन करते हो 100 दिनों तक, या 11 दिनों तक 108 पाठ करते हो, तब भी नियम यही रहेगा। चाहे एक दिन की सिद्धि करते हो तब भी इसी प्रकार से पूजन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को शिव चालीसा सिद्ध होगी। यानी कि जो हमने पूजन बताया वो जरूरी होता है, तभी शिव चालीसा की सिद्धि मिली, कहने का अर्थ हमारा ये है। और दैनिक पूजन में भी आप शिव चालीसा को पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। जैसे दैनिक पूजन में एक बार भी पढ़ सकते हो,
तीन पाठ भी कर सकते हो। इसी प्रकार आप लंबे समय तक पढ़ोगे तो शिव चालीसा की सिद्धि मिलने लगती है, शिव चालीसा की कृपा होने लगती है। दैनिक पूजन में भी सोमवार से प्रारंभ करके एक पाठ कर सकते हो या तीन पाठ, तो हर दिन किया कीजिए, आपको धीरे धीरे इसकी कृपा मिलने लगेगी। दैनिक पूजन जब भी किया जाता है या पाठ की जाती है बिना संकल्प लेके, उसमें कोई नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। तो दैनिक पूजन में भी पढ़ोगे आप भगवान गणेश को, शंकर भगवान को, माता पार्वती को प्रणाम करके, मिश्री का भोग लगा के, घी का दीपक जला के, धूपबत्ती जला के शिव चालीसा प्रारंभ कर सकते हो। आप जब भी शिव चालीसा सिद्ध करोगे तो सफ़ेद ऊनी आसन पे ही बैठ के आपको सिद्ध करना चाहिए। आप 100 दिनों का अनुष्ठान करते हो, 11 11 पाठ करते हो, 11 दिनों में डेली के 108 पाठ 11 दिनों तक करते हो, या एक दिन की सिद्धि करते हो, एक माला आपको गणेश भगवान की निकालना चाहिए। ओम गण गणपते नमः, एक माला निकाल लीजिए, फिर भगवान शिव को प्रणाम करके, माता पार्वती को प्रणाम करके शिव चालीसा प्रारंभ कर सकते हो। सफ़ेद ऊनी आसन पे ही बैठ के इस पाठ को करना है और शिव चालीसा का पाठ करना पड़ेगा उत्तर दिशा की दर मुंह करके। इस बात का विशेष याद रखिए, तो किसी भी पूजन से पहले भगवान श्री गणेश का, अगर आपके गुरु है तो गुरु का आशीर्वाद लेके, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को ही गुरु मान के आशीर्वाद प्राप्त करके आपकी शिव चालीसा सिद्ध हो जाए, शिव चालीसा की कृपा हो जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको डेली पाठ प्रारंभ करना है। तो इन नियमों का पालन करोगे आप 100 दिनों तक, चाहे 11 दिनों तक, या एक दिन की सिद्धि करना चाहते हो तो ये पूजन करना जरूरी होता है। दैनिक दिनचर्या में शिव चालीसा पढ़ते हैं तो आपको ये पूजन करना जरूरी नहीं होता है, वो आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिव चालीसा से जुड़ी हुई जो भी जानकारी थी वो आप लोगों को संपूर्ण हमने पूरी विधि बता दी है, आप कैसे कैसे अलग अलग तरीके से भी सिद्ध कर सकते हो। दैनिक पूजन में भी आप अगर शिव चालीसा पढ़ना चाहते हो तो उसको भी कैसे पढ़ सकते हो लंबे समय तक तो कृपा मिल जाए, इसकी संपूर्ण पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बता दी है। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती तो ऐसी रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय भवानी।